देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज का दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व, कर्व दी गई है आपकी वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस सिक्स विच आर पैरेलल टू द लाइन एक्स प्लस फोर्टीन वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो देखते हैं आपको दिया है, गिवेन है कर्व जो है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस सिक्स और इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है एक्स प्लस फोर्टीन वाई, एक्स प्लस फोर्टीन वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। और ये कहा है कि नॉर्मल विच आर नॉर्म, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन। ये जो नॉर्मल है वो पैरेलल है इस लाइन के, ध्यान रखना है कि नॉर्मल पैरेलल है लाइन के, यानी कि नॉर्मल का स्लोप होगा इक्वल इस लाइन के स्लोप के, टेंजेंट का स्लोप इक्वल नहीं होगा, नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा पैरेलल की कंडीशन में। तो सबसे पहले हम लाइन के इक्वेशन को लिखते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो 14y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस फोर, तो y इक्वल टू माइनस कॉमन ले न लें कॉमन, तो हम x अपॉन 14 माइनस 4 अपॉन 14, तो कंपेयर कर दें ऑन कंपेयरिंग विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू आएगा माइनस वन अपॉन 14, ये आ गया स्लोप ऑफ लाइन, ये है स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन दी गई है उसका स्लोप। अब हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड करते हैं, तो नॉर्मल के लिए हमें पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना होगा, टेंजेंट का स्लोप आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ये हो गया एम इक्वल टू, ये स्लोप हो गया टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसे हम चूंकि हमने लाइन के स्लोप को स्मॉल एम से लिखा है तो इसे एम वन से डिनोट किए लेते, स्लोप ऑफ टेंजेंट एम वन इक्वल टू हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू ये होगा कैपिटल एम इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन, तो कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो कंडीशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि टेंजेंट के स्लोप की बात नहीं की गई, नॉर्मल के स्लोप की बात की गई है कि नॉर्मल का स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसमें कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच फाइंड इक्वेशन नॉर्मल्स आर पैरेलल टू द लाइन। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सिंस नॉर्मल्स आर पैरेलल
parallel to the given line. इसका मतलब है कि नॉर्मल का जो स्लोप होगा यानी कि m इक्वल टू इक्वल होगा स्मॉल m के, m इक्वल टू इक्वल होगा स्मॉल m के, तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर्टीन. तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब आएगा ये कि वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू वन अपॉन फोर्टीन. और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू फोर्टीन, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू फोर्टीन, या थ्री एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा, हाँ टू इक्वल टू फोर्टीन, तो थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर्टीन माइनस टू इक्वल टू ट्वेल्व, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा फोर, या एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस टू. तो ये जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू आती है, ये आप कर्व की इक्वेशन में जब रखेंगे तो आपको मिलेगी वाई की वैल्यू. आपको फाइंड करना था इक्वेशन, तो पहले पॉइंट फाइंड करोगे व्हेन एक्स इक्वल टू टू, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा टू का क्यूब प्लस टू इंटू टू प्लस सिक्स, तो वाई इक्वल टू आ गया टू टू जा फोर टू जा एट प्लस टू टू जा फोर प्लस सिक्स, यानी कि वाई इक्वल टू हो गया एटीन. तो पॉइंट आ गया आपका टू कॉमा एटीन. और व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो वाई इक्वल टू होगा माइनस टू का क्यूब प्लस टू इंटू माइनस टू प्लस सिक्स, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एट माइनस फोर और प्लस सिक्स. तो ये हो गया आपका वाई इक्वल टू एट फोर ट्वेल्व यानी कि माइनस सिक्स. तो पॉइंट आपके आ गए, अगला पॉइंट हुआ माइनस टू और माइनस सिक्स. तो आपको जो इक्वेशन फाइंड करना है नॉर्मल का, वो करना है माइनस टू और माइनस सिक्स, और दूसरा पॉइंट है टू और एटीन पर. अब मुझे ये इरेज करना होगा, तो यहाँ हम इरेज कर लेते हैं. तो लिखते इक्वेशन ऑफ स्लोप उस नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टू कॉमा एटीन, टू और एटीन पर जब देखेंगे तो ये होगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. स्लोप हमने लिया था लाइन का ये रहा, और स्लोप ऑफ, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1 की जगह हम पुट करेंगे 18 m. दोनों ये नॉर्मल का स्लोप है, ये इक्वल था लाइन के स्लोप के, तो ये भी हो गया माइनस वन अपॉन फोर्टीन. और अगर आप ये वैल्यू भी रखोगे उसमें तो तब भी आ जाएगा उतने ही, तो माइनस वन अपॉन फोर्टीन एक्स माइनस टू, तो 14 बाई माइनस 252 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू,
लेफ्ट में ले आओगे सभी को, तो x प्लस 14y माइनस 2 और माइनस 252 ये हो जाएंगे 254 इक्वल टू जीरो। तो एक तो इक्वेशन आती है आपकी नॉर्मल की ये 8.218। अगली इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट -2 -6। तो ये हो जाएगी y-y1, यानी कि y-y1 की जगह होगा -6 इक्वल टू -1/14 x-x1, यानी कि यहाँ ब्रैकेट ये बड़ा कर देते हैं x-2। तो y+6 इक्वल टू हो गया, ये 14 को भी इधर भेज दिए, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे माइनस एक्स में करेंगे 1 का, तो -x और माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2 होगा, -1 का होगा, तो ये -2 रहेंगे। तो 14y+6 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 14y प्लस 8 इक्वल टू जीरो। तो ये आ गए आपके नॉर्मल के इक्वेशन एट पॉइंट 218 और एट पॉइंट -2 -6। मिस्टेक कुछ न कुछ हो जाती है, ये फिर ये 14 से जब मल्टीप्लाइड किया यहाँ फिर छोड़ दिया, तो ये होंगे 84, 14 6 जा 84, तो ये हो जाएंगे 86। अब आप नोट कर सकते हैं इसे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, दोनों निकालनी है आपको, टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन। पैराबोला दिया है बाई स्क्वायर इक्वल टू, कर्व दी गई है, कर्व बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और दिया है एट द पॉइंट। तो पॉइंट दिए गए हैं आपको 80 स्क्वायर और 2at, इस पर आपको फाइंड करनी है नॉर्मल और टेंजेंट दोनों की इक्वेशन। तो सबसे पहले हम dy/dx की स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, तो 2y/dy/dx इक्वल टू होगा 4a। तो dy/dx ये हो जाएगा 4a/2y। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 80 स्क्वायर और 280, इस पर फाइंड करोगे तो m इक्वल टू आ जाएगा dy/dx और ये 80 स्क्वायर और 280 पर फाइंड करना है आपको, इक्वल टू 4a/2, y की जगह पुट करोगे 280, तो m इक्वल टू आएगा आपका 2 2 जा 4 a/, यानी कि a से a भी कैंसिल, तो 1/t। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप फाइंड कर सकते हो कैपिटल m जो होता है -1/m
इक्वल टू होगा माइनस वन अपॉन टी, यानी कि ये हो जाएगा माइनस टी। तो कैपिटल एम इक्वल टू हो गया माइनस टी, ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसे हम कहेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एट 80 स्क्वायर 280 पर, तो ये हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m, x माइनस x1, y माइनस y1 की जगह पुट करोगे 280 इक्वल टू m की जगह पुट करोगे 1 अपॉन t स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये x माइनस x1 की जगह 80 स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे, t का इधर करोगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा आपका बाई टी माइनस 280 स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। इसको ले आओगे आप राइट से लेफ्ट में, तो माइनस एक्स प्लस बाई टी और माइनस 280 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई टी माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अगर माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो एक्स माइनस वाई टी प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, ये आपकी इक्वेशन हो गई टेंजेंट की। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल की। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एट 80 स्क्वायर 280, तो ये हो जाएगा बाई माइनस बाई वन इक्वल टू कैपिटल एम एक्स माइनस एक्स वन। तो बाई माइनस 280 इक्वल टू कैपिटल एम था हमारा माइनस टी, तो एक्स माइनस एक्स वन है 80 स्क्वायर, तो बाई माइनस 280 इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 80 क्यू। लेफ्ट में ले आए सभी को, तो बाई माइनस एक्स टी माइनस 280 माइनस 80 क्यू इक्वल टू ज़ीरो, माइनस से मल्टीप्लाइड कर दो तो एक्स टी प्लस माइनस बाई प्लस 280, और अगर कॉमन ले लेते तो भी हो जाता, नहीं इतने छोड़ दो, 280 प्लस 80 क्यूब इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन आपकी आ गई नॉर्मल की। माइनस टी एक्स, तो ये माइनस एक्स टी हुआ, और सभी को जब लेफ्ट में लाए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस 280, तो एक्स टी माइनस, ये हो गया आपका माइनस एक्स, अगर माइनस से मल्टीप्लाइड किया है ऐसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही छोड़ दो आप, एक्स टी प्लस बाई माइनस 280 माइनस 80 क्यूब इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल का इक्वेशन।